अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेटअप मैंने लगाया हुआ है, और मैं ये नहीं कह सकता कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली बड़े मज़े के होते हैं। आज एक नया एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं पता एंड रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन और ये जो बैक साइड के ऊपर मेरे पास काफ़ी हाई रेटिंग है, 435 वॉट रेटिंग के पैनल। इस वक्त बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास लॉन्गी के 435 वॉट के पैनल्स हैं मोनोपर्क में, और एक्सपेरिमेंट में मैं यही पैनल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज होगी डीसी वेल्डिंग, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट से जाके ग्लासेस भी लेके आए हूँ प्रोटेक्शन के लिए। एक एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं कि एंड रिजल्ट कैसा आता है। काफ़ी सारे वेल्डिंग रॉड्स हैं। इसके बाद पूरा सेटअप अभी बनाने लगा हूँ, कभी पहले एक्सपेरिमेंट ऐसा परफॉर्म नहीं किया। तो इसके साथ ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर, तो ये होल्डर की मदद से आज का एक्सपेरिमेंट होगा, और देखते हैं कि क्या ये वेल्डिंग कर पाएगा कि नहीं। पहले इन तीन पैनल्स को मैं L3 स्टैंड के ऊपर लगा लेता हूँ, और माउंटिंग के बाद फिर इस सारे सेटअप को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इससे वेल्डिंग हो पाती है। व्यूअर्स को यही कहूंगा कि अगर आपने ये वाला चैनल इलेक्ट्रिकल वॉल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, सोलर सेटअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू गैजेट्स, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं जी आज के इंस्टॉलेशन की तरफ, बल्कि इंस्टॉलेशन ही आज के एक्सपेरिमेंट की तरफ। शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत का काम है, और एहतियात से करें, प्रोटेक्शन का ख्याल रखें और दिल लगा के काम करें। मैं यही कहता हूँ, जो भी काम है उसको अच्छे तरीके से करें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया है और सीरीज़ में कर दिया ताकि वोल्टेज इंक्रीज़ हो सकें। ये काम इस वक्त नहीं हो सकेगा क्योंकि शाम हो चुकी हुई है, मगरिब हो चुकी हुई है और हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है। तो ये काम इंशाल्लाह पोस्टपोन करते हैं, कल करते हैं, और नेक्स्ट डे पर देखते हैं कि ये कैसी वेल्डिंग करता है। तो व्यूअर्स, अब बारी है ये इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने की। जल्दी से बना लेते हैं इस इलेक्ट्रोड होल्डर को, और इसके साथ लगा देते हैं ये वाली तार, 6 mm की वायर को लगा के देखते हैं। पहली बार कर रहे हैं, मैंने इससे पहले कभी वेल्डिंग नहीं की और ये फर्स्ट टाइम है, ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली बार इसको ओपन कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया बस, ये हो गया जी हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर बिल्कुल रेडी। तो एक पैनल हमें वोल्टेजेस दे रहा है 45.2 वोल्ट। सारे पैनल्स को सीरीज में करके वोल्टेजेस एक बार चेक कर लेते हैं। कामयाब होगा नहीं होगा कोई आइडिया नहीं है, बट मज़ा आ रहा है काम करने में, मुझे खैर पर्सनली मज़ा आ रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब लाजमी करें, ज़रा ग्रो हो जाता है चैनल, मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि जी कुछ करने में, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। 135 वोल्ट, तो इस वक्त 135 वोल्ट हैं। अब शायद हो जाए, थोड़ा सा मैंने इसको इसके अंदर टच कर दिया। सीख ही जाएंगे व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता। चलें ऐसे करते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रोड इस पे लगा के देखते हैं, शायद ये इलेक्ट्रोड इस पे सही तरह नहीं काम कर रहा। अच्छा, आप में कोई ट्रेंड वेल्डर है तो वो गाइड भी कर दे मुझे मैसेज के जरिए कि ये क्या वजह हो सकती है।
व्यूअर्स, और कुछ हो ना हो मैं आज वेल्डिंग सीख जाऊंगा मुझे लगता है। ये मुझे 10-12 इलेक्ट्रोड ज़ाया करने पड़ेंगे लेकिन आज मैं वेल्डिंग लाजमी सीख जाऊंगा। पहला एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो चुका है, 3 पैनल्स के ऊपर वेल्डिंग नहीं हुई। पहले मैंने सोचा कि 2-3 छोटे पैनल्स को और भी ऐड करता हूँ, फिर फाइनली डिसाइड किया जो मेन अपना सेटअप है उसके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को जाने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो मेरे पास 12 पैनल लगे हुए हैं लेकिन इसके अंदर से जो 6 की स्ट्रिंग है उसको मैं पिक करके वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर तो 6 की स्ट्रिंग पे वोल्टेजेस और फिर देख लेते हैं शायद कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। तो आप देख सकते हैं 269 वोल्ट अच्छे खासे वोल्ट हैं। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर काम करेगा या नहीं। अच्छा, पहले ना भरीक वाले इलेक्ट्रोड को फिर दोबारा लगा लेते हैं। कमेंट सेक्शन में रीजन लाजमी बतानी है अगर आप लोगों को पता है कि आर्किंग तो बड़ी जबरदस्त किस्म की है लेकिन व्यूअर्स कोशिश जारी है अभी तक। इलेक्ट्रिकल वॉल का ई भी लिखा जाएगा तो मैं समझूंगा कि आज का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। ये मैंने जो लेंटर के सरिये होते हैं अब इस पर कोशिश करूं। अच्छा लग रहा है शायद इसमें हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक्सपेरिमेंट जैसा भी था आपके साथ शेयर कर दी है, कोशिश बड़ी की है कि जी ये कामयाब हो जाए। इतनी जबरदस्त किस्म की आर्किंग भी है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अगर तो एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।